हाय डियर पेन, दिस इज़ मी योर टेक्निकल ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप 2022 में ये तीन कॉइन बाय कर लेंगे तो आप बिलियनियर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चंद कॉइन जो कि मैं आप दोस्तों की खिदमत में रखने जा रहा हूँ आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी और आप इसको बाय करके 2022 जनवरी में बिलियनियर आपको बना सकती हैं। आप सबको पता है कि क्रिप्टो की जो मार्केट है वो डंपिंग में जा रही है और उस डंपिंग को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कॉइन ऐसे हैं अगर इस कॉइन को हम बाय कर ले तो हमको खासा अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो आइए लिस्ट करते हैं ये कॉइन जो मैं आप दोस्तों की खिदमत में रखने जा रहा हूँ। ये बाइनेंस और इसी तरह मुख्तलिफ डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है उनमें लिस्ट हुए हैं और हो रहे हैं। तो जैसे ही ये मुकम्मल लिस्टेड हो जाएगी तो फिर इसमें खासा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट से जब हम इसको बाय कर लेंगे तो हमको खासा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो अभी भी मौका है, अगर आप अभी तक अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये चंद कॉइन बाय करना होगा। आइए आपको ले जाता हूँ अपने फर्स्ट कॉइन की जानिब जो कि आप दोस्तों की खिदमत में रखने जा रहा हूँ, वो है यूनिस्वेव। और ये भी खासा अच्छा कॉइन है और ये भी इसकी जो हमको सबको पता है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो डंप में जा रही है और इसकी भी डंपिंग को मद्देनज़र रखते हुए इसमें वो अब ये कॉइन उस डंप से निकलने वाली है। अगर इसको हम 24 हावर्स को अगर हम देखा जाए तो इसको सबसे लो उन्होंने बनाया था $17 की, अब जो हाई उसने बना दिए हैं वो है 19.45 सेंट की। अब जो है ये करंट पॉइंट इसकी जो है तकरीबन $19 है जो कि अभी वो तकरीबन 1.86% अप में जा चुकी है। अगर हम BTC की इसकी वैल्यू देखें तो इसमें BTC की वैल्यू में उन्होंने 4% अप किया है और इसको जब हम इथेरियम की वैल्यू की मद्देनज़र उसको देखें उस बेस से देखो तो ये 5% पम्प कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पम्प तकरीबन $50 तक हो जाएगी अगर आप इस बाइन को इसका कॉइन को जनवरी 2022 में बाय कर ले। अगर इसके बात करते हैं तो इसके जो टोटल वैल्यू है इसको वॉल्यूम है वो ये है जो कि 5% अप हो चुकी हैं। इसके हम मार्केट कैप फुल की बात करें तो ये 1% है और मार्केट कैप की जो हम बात करें वो 1% अप हो चुकी हैं। अगर इसको हम इसका जायज़ा लेते हैं तो ग्राफ की, तो ग्राफ भी हमें बता रही हैं कि ये डंप से अभी खासा अच्छा जा चुकी हैं और इसमें जो अप होने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। और भी इसी तरह की ये कॉइन जो कि खबर आ रही है कि ये मेटावर्स और मोपोस के साथ उसमें उतर रही हैं, जो कॉइन मेटावर्स में उतर रही हैं उसमें खासा अच्छा पंप हमको मिल सकती हैं। तो इसलिए हम अगर इसको ये लिस्टेड की हम बात करें कि ये कौन से कॉइन्स कौन से एक्सचेंज में लिस्ट हैं तो इसकी बात हम करें तो ये मुख्तलिफ कॉइन्स मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में ये जो करेंसी है वो लिस्टेड है। इसको हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइनेंस में उसकी यही रेट चल रही है और इसी तरह हु भी ग्लोबल में 18.94 इसकी रेट है। इस तरह कॉइन बेस एक्सचेंज भी इसमें लिस्टेड है, इसी तरह गेट और बाइनेंस और मुख्तलिफ एक्सचेंज में आप इसे मुलाहिजा फरमा सकते हैं और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस को यूज़ करते हुए आप इस कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। आइए दूसरी कॉइन्स की जानिब बढ़ लेते हैं जो भी अभी खासा अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती हैं और अभी ये मेटावर्स के साथ पार्टनरशिप और उतर रही हैं उस प्रोजेक्ट में जो कि खासा अच्छा प्रॉफिट होने वाली है, प्रोजेक्ट होने वाली है और क्रिप्टो की दुनिया में एक खासा अच्छा चेंज होने वाला है मेटावर्स की मदद से। तो इसमें भी ये उस प्रोजेक्ट में वो ये शामिल हो रही हैं और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हमको मिल सकती हैं। इसी तरह ये अभी भी है उस डंपिंग के शिकार है जो कि क्रिप्टो मार्केट में अभी भी चल रही हैं। इसका इनका मार्क है पैनकेक स्वैप और इसकी ग्राफ की हम बात करें तो ये खासा अच्छा डंपिंग में जा रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये पार्टनरशिप कन्फर्म हो जाएगी मेटावर्स के साथ तो इसमें खासा अच्छा प्रॉफिट हमको मिल सकती हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये कौन कौन से कॉइन्स कौन कौन से एक्सचेंज में ये अवेलेबल है इसका जायज़ा हम लेंगे। इसी तरह ये चंद एक्सचेंजेस हैं जो कि उन्होंने इसको लिस्टेड नहीं किया है, तो जैसे ही उस एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी तो इससे भी इस कॉइन के प्राइस पर खासा अच्छा प्रॉफिट खासा अच्छा असर मिल सकता है और हमको खासा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसी तरह बाइनेंस
ओकी काइन और गेयर, ये तीन चंद एक्सचेंजेस हैं जो कि इसमें ये लिस्टेड हैं और मुख्तलिफ एक्सचेंजों में जो डिसेंट्रलाइज हैं उनमें लिस्ट करने जा रही हैं। तो अगर इस बाय काइंस को हम बाय कर ले तो ये जैसे ही ये मुख्तलिफ काइंस में लिस्टेड होगी तो ये खासा अच्छा प्रॉफिट हमको दे सकती हैं। अभी अभी जो है ये 5.16% जो है वो डिप में जा रही हैं, तो ये भी खासा अच्छा प्रॉफिट हमको दे सकती हैं। तीसरी काइंस को जो हम बात कर रहे हैं, तीसरी काइंस की वो है गाला। तो गाला को जो हम देखते हैं तो इसकी प्राइस भी खासा अच्छा डंप में जा रही हैं। इसमें जो हाई बना लिया था वो 50 सेंट का था, अभी लो बना लिया था वो 40 सेंट का है और अभी जो है करंट उसकी वैल्यू है वो 47 सेंट है। तो अभी जो ये रैंक कर रही हैं ये 49 नंबर पर काइन बेस काइन मार्केट कैप में रैंक कर रही हैं। अगर इसकी बात हम करें तो इसकी ग्राफ की जो जायज़ा हम लेंगे तो ये भी खासा अच्छा डंप में जा रही हैं। इसको अगर ग्राफ हम देखें तो तकरीबन खासा अच्छा डंप यहाँ पर ले रही हैं। तो जैसे ही ये मेटावर्स में शामिल होगा इसे भी उसकी पार्टनरशिप होने की कंफर्मेशन आ रही है। तो जैसे ही ये लिस्टेड होगी शामिल होगी मेटावर्स प्रोजेक्ट में तो इसमें यहाँ से खासा अच्छा डंप हमको मिल सकती है और हमको खासा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसके हम एक्सचेंजेस की बात करें तो ये हम मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में अवेलेबल है, जिसी तरह के मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ ये भी मुख्तलिफ एक्सचेंज में आपको अवेलेबल है और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में जो कि डिसेंट्रलाइज है उनमें हमको ये काइन जो है वो मिल सकती हैं। जैसे कि बाइनेंस में ये लिस्ट है, पोके काइन में ये लिस्ट है, इसी तरह जो होबी है उसमें भी ये लिस्टेड हैं। तो कुछ मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं जिसमें उनके लिस्टेड होने जा रही हैं। तो जैसे ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में लिस्टेड होगा तो इसी भी हमको इसकी प्रॉफिट इसकी प्राइस पर हमको खासा अच्छा पंप मिल सकती है और हमको खासा अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह के मुख्तलिफ एनालिसिस आप दोस्तों की खिदमत में रखेंगे। तो हमारे साथ रखिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।